उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग नेक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। महाविद्यालय को 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है, जो अब तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त अंकों में उच्चतम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय ने इस बार भी नेक से सर्वोत्तम A++ ग्रेड हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि नेक द्वारा पूर्व में महाविद्यालय की ग्रेडिंग गलत की गई थी। नेक द्वारा महाविद्यालय के PhD होल्डर्स, प्रोफेसर्स और गेस्ट फैकल्टी की गिनती गलत की गई थी। महाविद्यालय द्वारा अपील की गई थी, जिसके परीक्षण के बाद महाविद्यालय को नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में आते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने A+ तो सबसे प्रदेश में नंबर वन पे हासिल किया था, लेकिन उससे संतोष नहीं था। हमने इसकी अपील की। आमतौर पे नेक के दौरे के रिजल्ट के बाद अपील करने में ये खतरा रहता है कि वो ग्रेड कम कर देते हैं, लेकिन हमने कहा हमने अच्छा किया तो हमको अंक मिलेंगे। और मुझे संतोष है, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जब नेक ने दोबारा अपना रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद A++ का उन्होंने रिजल्ट दिया है, तो मैं धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा। और ये एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो देश में सरकारी स्तर पर A++ लाया है। इसके इक्विवेलेंट 27 और भी कॉलेज हैं, लेकिन वो एक दो तो ऑफ कैंपस यूनिवर्सिटी है और दो तीन मतलब कुल मिलाकर सारे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। सरकारी स्तर पे कोई कॉलेज को A++ नहीं मिला, तो ऐसे में हम सबके लिए और गौरव की बात है कि इतने बड़े देश के इतने बड़े अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे राज्यों को पछाड़ करके मध्य प्रदेश ने नंबर वन पे स्थान हासिल किया है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने स्टाफ को, अपने उच्च शिक्षा विभाग को, यहाँ के प्राचार्य को, सभी प्रशासन को, जिन्होंने योग्य तरीके से तैयारी करी और हमने